छतरपुर में इन दिनों 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। 24 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किए जा रही इस प्रतियोगिता के दौरान संभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक 1 और 2 के मैदान में, साथ ही स्टेडियम के खेल मैदान में इस प्रतियोगिता के आयोजन हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान सेपक टकरा खेल का काफी उत्साह देखा गया। कई खिलाड़ी इस खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। इसमें करीबन 8 संभाग आए हुए हैं वहाँ से, और इसमें ये जो रेगू इवेंट है, इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें की 3 खिलाड़ी की पोजीशन रहती है फीडर, किलर एंड लिफ्टर, और 2 रहते हैं रिजर्व में। बाकी 5 खिलाड़ियों गेम है, 3 खिलाड़ी मतलब प्लेइंग में रहते हैं। कितना उत्साह है अभी खिलाड़ियों में? और बच्चों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्साह, और बहुत उमंग की लहर यहाँ पर है कि मतलब मैच के लिए बच्चे सुबह से आते हैं शाम तक, रात तक, और नाइट में भी टूर्नामेंट चल रहा है, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बच्चे अच्छा प्रदर्शन खेलते हैं, और मतलब इसलिए कि हम आगे चल के जीते हैं, यहाँ पे मेडल लाएँ, तो आने वाले राष्ट्रीय खेल में बच्चों का सिलेक्शन यहीं से होगा। छतरपुर कहाँ कहाँ की टीमें खेल खेल रही हैं? सागर, रीवा और जबलपुर संभाग, आदिवासी संभाग, ट्राइबल संभाग और ग्वालियर, कुल मिला के 8 संभाग आए हुए हैं।